हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म भारत के तीसरे दिन के एडवांस बुकिंग के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। वेल फ्रेंड्स, जो लोग ट्रेड बिजनेस समझते हैं वो जब ये नंबर्स देखेंगे तो ये अंदाजा हो जाएगा कि भारत की जो एडवांस बुकिंग चल रही है वो ऐसे स्पीड पर चल रही है कि कब इसे एक ऐसा बूस्ट मिले कि ये 100% की ऑक्यूपेंसी ले, ये कोई बता नहीं सकता। एंड गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 दिन रिलीज होने से पहले ऐसी एडवांस बुकिंग फिगर्स आए हैं गाइज, जो कि बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं ले पाती है, एंड डिस्पाइट द प्री ईद पीरियड जहां पर लोग एडवांस बुकिंग के थिएटर की तरफ भी नहीं जाते हैं, उस माहौल में ऐसी एडवांस बुकिंग नंबर्स आना इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो लोग नंबर समझते हैं वो नंबर सुनो, अपने आप डिसाइड करो। चलेगा, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बात करें दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में शोज बढ़ के अभी गाइस मैं आपको रात के 10 बजे के फिगर्स बता रहा हूँ, इसलिए एपिसोड लेट हुआ है। 8 बजे का बता के मतलब नहीं था, बहुत डिफरेंस आ जाता है। 8 बजे 10 बजे दो एपिसोड बना के मतलब नहीं है, इसलिए एक ही एपिसोड बना रहा हूँ। रात के 10 बजे दिल्ली एनसीआर में फिलहाल जो शोज है वो है 735 शोज, 735 शोज, जिसकी ऑक्यूपेंसी है 26.2% की ऑक्यूपेंसी 3 दिन बिफोर रिलीज इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर सुबह हमने दिल्ली एनसीआर देखा किस तरह ऑलरेडी वहां पे 80% शोज हाउसफुल हो चुके हैं, एंड अभी और स्क्रीन ऐड करने के बाद 122 शोज ऑफ फास्ट फिलिंग, यानी कि 122 शोज फास्ट फिलिंग है, और लगभग 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 क्या मैं आपको खुला फिगर दे देता हूँ, 38 पकड़ के चलो शोज आर हाउसफुल इन दिल्ली एनसीआर, यानी पहले दिन दिल्ली एनसीआर से करोड़ों में फिगर आएगा। अब वो कितना होगा हमें रिलीज से एक रात पहले इसकी एडवांस बुकिंग कितनी होती है वो पता चलेगी। बात करें मुंबई की, तो मुंबई में फिलहाल 850 शोज हो चुके हैं। यस फ्रेंड्स, मुंबई के शोज मैसिवली इंक्रीज है, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ मुंबई की टेरिटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइगर जिंदा ने खुद अलोन मुंबई में 100 करोड़ का बिजनेस किया था, और भारत के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, लेकिन मुंबई इज नोन फॉर ओवर द काउंटर टिकट्स, यानी कि वॉक इन ऑडियंस के लिए नोन है। एडवांस बुकिंग वेरी रेयर मुंबई में अच्छी होती है, लेकिन डिस्पाइट दैट 800 इतने सारे शोज लेने के बाद ऑक्यूपेंसी जो मुंबई में है वो है 18.2% की, यानी कि 33 शोज, यस फ्रेंड्स, 33 शोज इसके फास्ट फिलिंग है, और 16 शोज फुल हो चुके हैं इसके मुंबई में। सॉरी, पुणे की बात करें तो गाइस पुणे में 275 शोज मिले हैं, जहां पर ऑक्यूपेंसी इसकी 16% की है, वहां पे फास्ट फिलिंग शोज है 10 और फुल शोज है 6। बेंगलुरु इज गोइंग टॉप गन्स ब्लेजिंग, बेंगलुरु में अभी 285 शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी जो है वो 20% की चल रही है, यानी कि जैसे जैसे शोज बढ़ रहे हैं ऑक्यूपेंसी भी उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। और बेंगलुरु में फिलहाल इसके 33 शोज फास्ट फीलिंग है, डिस्पाइट अ वेरी ह्यूज कन्नड़ा मूवी रिलीजिंग ओवर देयर, एंड गाइज 4 शोज इसके फुल है। बात करें हैदराबाद, तो हैदराबाद वालों के तो क्या कहने, जलवे ही जलवे है, 210 शोज है। पता नहीं जानबूझ के शायद एग्जीबिटर शोज रोक के रखा है वहां पर, 210 शोज में गाइज 58% ऑक्यूपेंसी, मतलब जैसे शोज रिलीज कर रहे हैं फुल हो रही है, शोज रिलीज कर रहे हैं फुल हो रही है। सिंगल स्क्रीन का तो क्या बोलू, एबिट्स कुकटपल्ली यहाँ पर तो तबाही मचाई रखी है फिल्म में गाइज। एंड गाइज हैदराबाद की बात करें तो वॉपिंग 105 शोज फास्ट फिलिंग है, एंड गाइज ऑलमोस्ट 29 शोज फुल है। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में 180 शोज है, जहाँ की ऑक्यूपेंसी 22% की है, 18 शोज इसके फास्ट फिलिंग है, फुल कोई भी शो नहीं। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में 13% की ऑक्यूपेंसी है और 330 शोज, यस फ्रेंड्स, 330 शोज इसके दिए गए हैं, और ये इकलौता शहर है जहां पर फुल शोज ज्यादा है फास्ट फिलिंग के मुताबिक। अहमदाबाद में 17 शोज फुल है और 8 फास्ट फिलिंग, इमेजिन अहमदाबाद ऑल्सो इज अ टॉप रनर। एंड बात करें चेन्नई की, तो कल चेन्नई जो रंग दिखाएगा वो अल्टीमेट होगा, सत्यम में तबाही होगी, माया जाल में भी होगा, क्योंकि गाइज जिस तरह की ओपनिंग चेन्नई ने लिया है, सलमान खान का गढ़ माना जाता है चेन्नई, स्पेशली सत्यम। लास्ट टाइम टाइगर जिंदा के टाइम पे, इवन रेस 3 के टाइम पे सत्यम वो सोल्ड आउट है, इन अ डे क्या 9 आवर्स में सोल्ड आउट है सत्यम। एंड गाइज चेन्नई में एडवांस बुकिंग खुली है, अभी फिलहाल चेन्नई में इसे मिले 55 शोज, यहाँ पे 30% की ऑक्यूपेंसी, 16 शोज आर फास्ट फिलिंग गाइज, विच आर ह्यूज नंबर्स गाइज। अगर ऐसे चलता रहा तो भारत को कोई इवेंट रोक नहीं पाएगा, कोई डेट रोक नहीं पाएगी, ये पिक्चर अपने मेरिट पे बोलेगी। सलमान खान के फैंस तो सुभान अल्लाह है ही, वो पिक्चर कैसी भी हो पिक्चर को आराम से पार करा देंगे, लेकिन भारत
अलग ही फिल्म है, ये उसकी कंटेंट वाली फिल्म है सलमान खान की, एंड इस फिल्म का मेरिट इसे एक लॉन्ग रनिंग फिल्म बनाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता गाइस। ओके, सो मैं आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।